माउंट थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने घर ले जाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों वारदात के बाद से फरार चल रही थी। पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि 27 अप्रैल को पीड़िता के पिता ने माउंट थाने में दो युवकों के खिलाफ नाबालिग से रेप करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर थानाधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपी हरीश और हरिया उम्र 20 साल पुत्र नारायण जाति जोगी निवासी अम्बेडकर नगर कॉलोनी और खीमाराम उम्र 19 साल पुत्र चतराराम जाति जोगी निवासी कासिंद्रा पुलिस थाना स्वरूपगंज को सिरोही से पकड़ा। दोनों आरोपियों को मेडिकल के लिए भेजा है जहां अब आगे की जांच शुरू कर दी गई है। डिप्टी पुष्पेंद्र वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 354 ए, 363, 376 3, 376 डी ए, 5G/6 पास्को एक्ट के तहत स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, मर्जी के विरुद्ध गलत काम करने, वैध संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करने के तहत मामला दर्ज कर किया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। घर ले जाकर किया गैंगरेप। दोनों आरोपी 26 अप्रैल को नाबालिग को शादी में ले जाने की बात कहकर घर से ले गए थे। आरोपी ने घर ले जाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। माउंट थाने में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई का लड़का और उसका साथी नाबालिग को शादी में ले जाने की बात कहकर घर से ले गए। रात 12 बजे नाबालिग को पेट्रोल पंप के पास छोड़कर चले गए, जिसके बाद नाबालिग पैदल घर पहुंची। नाबालिग की मां ने देखा तो नाबालिग के बाएं हाथ पर चोट लगी हुई थी। नाबालिग से पूछने पर उसने बताया कि उसे आरोपी अपने घर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। दूसरे दिन पिता ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई।